उल्टा हो गया। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अब दोबारा ठाकुर मालक के सामने जाएंगे कैसे। ए बगलेट, का उल्टा पुल्टा हुआ? ये तो तेरा सपना था ना कि एक दिन शहर से कोई पढ़ा लिखा इंसान आए, तुझे चाहने वाला और आगे ठाकुर मालक। अब ये मत कहना कि हमने तो चार हाथ वाले के सपना देखा था, उनके पास तो है ही नहीं। चंपा तुम समझ नहीं रही हो बात को, वो ठाकुर मालक हैं, हम भगवान मानते उन्हें, अपना उनके साथ कैसे। खैर छोड़ो, और भी परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, घर पे बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, ये नहीं पता कि पैसे कमाएंगे कितने से। तुम भी सच में ना जाने भगवान ने तुम्हें कौन सी नदी के घाट की मिट्टी उठाकर बनाया, तुम्हारी जिंदगी बदल रही है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम यहीं रहे और पास वाले शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करके कछु कमा कर लाए। तभी ना रत्थू हमें बता रहा था कि आज ठाकुर मालक ना बहुत खुश नजर आ रहे थे और उनकी खुशी बताती है कि वो तुम्हें दिल से चाहते हैं सच्ची में सुगनी। ठाकुर मालक ने हमारे परिवार पर लगे सारी बंदिशें भी हटा दी हैं, मतलब कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और फिर हम गांव में रहकर भी काम कर सकते हैं। सुगनी, इन मोटे आंखों से छोटे छोटे सपने देखने वाली बंद कर थोड़े बहुत पैसों की परवाह करना। अरे देख खुश रहे, दूसरों को कहती फिरती थी कि सपने देखोगे तो पूरे होंगे, अब तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है, ध्यान दे उसकी तरफ। अरे मन देख विक्रम ठाकुर मालक का, भगवान की तरह तुम्हें चाहा है और प्रेम किया है इंसानों की तरह, अब तुम भी उन्हें इंसान की तरह देखो, समझेगा इसुग्नि। कितना अच्छा होगा ना, तुम विक्रम ठाकुर मालक, मैं रत्थू, सब साथ साथ तुम्हारी गाड़ी में घूमेंगे, है ना, और रत्थू गाड़ी चलाएगा। सुग्नि सोच। अरे सीता मैया, का कह रही है, विक्रम ठाकुर माला, उन्होंने खुद सुग्नि को कहा कि वो उसे प्रेम कर दे। जय सीता मैया, जय सीता मैया, तुम जा जा जा, खेल 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 जा। अरे कमाल की निकली तुम्हारी जीजी तो, अपनी सर ढकाए रोक के इतना बड़ा झपाटा मारा। अरे हम तो एक लोटा पानी के फराक में थे, उन्हें पूरा का पूरा कुआं ही खोद डाला। अरे हमारे जीजी जो कुछ भी किए ना, हमारे परिवार के भले के लिए किए। सुना जो टिंकलिया ने कहा? अरे वो भैरे पत्थर सुना कि ना? सुना। जीजी जीजी जीजी, जी टिंकलिया जो कह के गई वो सही है का? विक्रम ठाकुर मालक सुनने से तो हमारे है ना, कछु बोलने ना दिया हम दोनों को, पानी भी ना पीने दे, बस बरस पड़े। हमारी मोड़ी जो है, हमारे माथा ऐसा भन्ना देती है ना कि पगलेट से हो जाते हैं, गदेड़ों की फौज और उसके मुखिया हम। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, भी बोलते रहते हैं। चीची है सुगनी, सुगनी इतनी लंबी उम्र है हमारी मोड़ी की। चुप चुप जी बिटिया, आजा चलो अंदर, कितने धूप से आ रही है, देखो पूरा चेहरा लाल हो गया है। अरे क्या कर रही है, चाय चढ़ा, धूप से आई है, माथा भन्ना जाएगा इसका, जा। हाँ तुम क्या कर रहे हो, देखो ना कितना पसीना है मोड़ी के चेहरे पे, अरे पंखा करो ना, करो करते रख कर। अरे 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 माथा चढ़ेगा तो तेल हम डाल देंगे, दिमाग ठंडा रहेगा और ठंडे दिमाग के साथ मुस्कुराती हुई बहुत सुंदर लगती है हमारे साथ। जीभ पर ना अंगारे रख के आग लगा देंगे, कछु भी बोलते हो। अरे ऐसे सुंदर ना लगती क्या हमारी मोड़ी, आंखें तो देख लो, इतनी बड़ी बड़ी टबर टबर है। अरे किसी की मजा ले जा, हमारे मोड़ी के सामने आके खड़ी हो जाए। डांट फटकार से मन भर गया, जब ताने देने पर उतर आए हो। अरे कहाँ बोल रही है मोड़ी, अरे हम मामी हैं, तुम्हारी माई जैसी हैं। कभी कभी कलेजा जलता है तो दो चार बातें बोल जाते हैं भूल से, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बातें लेके मन में बैठे रहे। काजी बोलो।
अपनी ही मोड़ी को कोई ताना मारेगा का नहीं ना? अरे काए? कौन कितना अपना है अच्छे से जानते हैं। जो कछुआ है साफ साफ बोलो। कैसी बातें करती है मोड़ी? हम बताते हैं, हम इनको बता दिए कि तुम्हारा और विक्रम ठाकुर माला का ब्याह हो रहा है। पता चला ना तो हमारे को ऐसा लगा हमारे कान में कोई मधुमक्खी ना गाना बजा रही। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे भाग खुल गए तुम्हारे, ये तो कहाँ सुना है कि किसी बेड़िया से ठाकुर मालक ने इतना प्रेम किया। हाँ? देखो हमारे को पता था कि हमारी मोड़ी एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी जो कर दिखाए। हाँ, तो अब बस आपस में बैठ के ये सोचना है कि अब कितना। हमारे मतलब है कि तुम्हारे देखभाल के लिए कछु ना कछु तो सोचे होंगे ना ठाकुर मालक। कछु इशारा किया का? ऐसा कछु नहीं है। तो बेकार में महल खड़े करना बंद करो। कहाँ ना खड़ा करें? अरे तुम तुम्हारा पूरा परिवार इतने तकलीफ में है, ठाकुर मालक तुम्हारी तकलीफ दे सकेंगे का? हाँ, प्रेम करते हैं कभी ना देख पाएंगे ऐसा। सही कह रहे हो तुम। हम सुगनी को परेशानी में जीते नहीं देख सकते। सुगनी के हम किसी को भी तकलीफ में जीते नहीं देख सकते। नहीं, चप्पल उठाने की जरूरत नहीं है, नीचे रखो। हम सुगनी को बोल चुके हैं पहले। अरे ठाकुर मालक, वो कहा है ना कि सुगनी की बात अलग है। वो चाहे तो चप्पल हाथ में ना ले, वो चाहे तो चप्पल निकाल के हमारे माथे पर धर दे। आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी, पर हमें तो हाथ में लेना ही होगा ना। हाँ, लेनी पड़ेगी मालक। ये अमृता ने भेजा है तुम्हारे बच्चे को। हाँ, कितने अच्छे मालक। शुक्रिया शुक्रिया। लो जी मालक। तो आप इस बहाने सुगनी जी से मिलने आए हो? ठाकुर मालक आप आइए ना, आप बैठिए। कितनी बार बोले जहाँ मालक और सुगनी का चाय रख जाए। वो उस सब चीजों की जरूरत नहीं है, चलते हैं। हाँ, जाने से पहले लेकिन इतना कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो जो हम कम कर सके तो बताइएगा। हमें खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। हाँ। मालक आप हमें कुछ काम दिला सकते हैं? बहुत सारे काम आते हैं। फिर से बोलो, थोड़ा धीमे। ठाकुर मालक आप हमें कुछ काम दिलवा सकते हैं? काम? सुगनी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पूरी देखरेख कर रहे हैं ना। ठीक, काम बोले थे, काम बोले थे जय तांबे। नहीं, मालक हम ऐसे कछु ना लेंगे, आप हमें काम दिलवा दीजिए। अरे तुम्हारा हर बात पे जिद करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, इस बार हम जिद करेंगे। आप भूल रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि
जिंदगी की लड़ाई ही ये है कि रख लो वाले पैसे पे जिंदगी नहीं बितानी। बहस में कोई जीत नहीं सकता इससे, ठीक है? तुम हमारे यहां काम करोगे, हमारी हवेली में। अब इसके आगे कुछ मत बोलना। चलते हैं। पर मालक, पंचायत, हमने कहा ना, आज के बाद से पंचायत का कोई भी कहा या अनकहा फैसला आप लोगों की जिंदगी में परेशानी पैदा नहीं करेगा। मालक, इत्मीनान से रहिए। प्रणाम मालक, प्रणाम। अरे जादू मालक की जय। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम उस लड़की को वादा कर चुके हैं कि वो इस हवेली में काम कर सकती है। कल हम है नहीं यहाँ पर, हमारे पीछे वो आएगी, तो आपको जो भी काम उसके लिए ठीक लगे वो उसको बोल दीजिएगा करने के लिए, ठीक है? देखो, परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र तो यही कहता है ना कि उपकार भी उसी पर हो जो उपकार के लायक इंसान हो। और वैसे विक्रम, बेड़ियां तो अपने पैरों का कमाकर खाती है ना। किसी बेड़ियां को आज तक मैंने हाथों से काम करते हुए नहीं देखा, और वो भी अपने घर में किसी बेड़ियां को काम करने देना। और विक्रम, तुम जानते हो ना कि आदि को बेड़िया से कितनी नफरत है, फिर तुम उसे कैसे समझोगे? हाँ जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि सुगनी जो है वो आदित्य के मन में जो इमेज बनी हुई है ना भेड़िया जाति की औरतों को लेके, उसको तोड़ देगी। बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप जी छोटा सा अंगूठा दिखाकर गाड़ी रोकेंगे तो गाड़ी का उड़ती हुई मक्खियां भी नहीं रुकेंगी। आओ फिर गाड़ी रोककर दिखाओ। आगे फंस गया यार, अब तो माँ भी आ गई है। वापस जाने के लिए कहूंगा तो दुनिया भर की बातें सुननी पड़ेंगी। तुमसे जो दो कटोरी चीनी ली थी ना, वो सूत मिलाकर ढाई कटोरी तुम्हें लौटा देंगे जल्द से जल्द। हमें नौकरी मिलने वाली है, वो बारिश होने वाली है, हम भागते। बस ग्रेट, यही कमी रह गई थी। हाइट्स ऑफ दिस, ये गांव वाले इडियट।
तुम भगवान के सामने मैं तुम्हारा नाम लेना ही भूल गया था। हैं? है क्या? देख नहीं रही क्या क्या कर दिया तुमने? ये गड्ढा हमने नहीं खोदा, गाड़ी हमने नहीं चलाई, हमने किया क्या है? तुमने क्या किया? गाड़ी के सामने अचानक कौन क्यों था? हैं? अरे मैं तुम पर गाड़ी चढ़ा देता, तुम तो जाती ही जाती। मैं 2-3 साल के लिए अंदर चला जाता। तुम्हें क्या ऊपर वाले ने मुझे परेशान करने के लिए ठेका दिया है क्या? अरे बीच रास्ते के ऊपर कूदना जरूरी था क्या? मालक सड़क होगी तो बीच में कूदेंगे ना, ये तो पगडंडी है, सड़क तो उस तरफ है। पगडंडी मतलब कच्चा रास्ता? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? सड़क छोड़कर मैं यहाँ पगडंडी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने? गलती तुम्हारे गांव वालों की ही है, कोई बिजली नहीं कुछ नहीं। अरे इतने पतले पतले रास्ते बनाए हैं, गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो आदमी पगडंडी पर ही गाड़ी चलाएगा ना। अरे सड़कों पर गड्ढे हैं, बिजली नहीं है, गाड़ी तो 2 दिन में टीन का डब्बा बन जाए। ठाकुर मालक, लेकिन रथू तो कहता है कि अच्छा ड्राइवर खराब सड़क पे भी बिना गाड़ी को नुकसान पहुंचाए गाड़ी को फर्राटे से दौड़ाता है। यू नो व्हाट, आई हेट योर विलेज, एस्पेशली आई हेट यू। आप जो छोटा सा अंगूठा दिखाकर गाड़ी रोकेंगे तो गाड़ी का उड़ती हुई मक्खियां भी नहीं रुकेंगी। आओ फिर गाड़ी रोककर दिखाओ। रुक गई। ठाकुर मालक, वो महुवारी में कोई आपको जानता नहीं है ना, इसलिए। और वैसे भी आप जो छोटा सा अंगूठा दिखाकर गाड़ी रोकेंगे तो गाड़ी का उड़ती हुई मक्खियां भी नहीं रुकेंगी। अब हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि लिफ्ट कैसे मांगनी है। आओ फिर गाड़ी रोककर दिखाओ। सच्ची? मतलब हम मेहनत करेंगे पर फिर हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। जो गाड़ी रुकी उसमें आप बैठ जाइए। पहले गाड़ी रोक कर दिखाओ। ठाकुर मालक, हमारे महुआरी में एक कहावत है कि ऐसा कोई हाथ नहीं जो पपलू भाटू का सर फोड़ दे और ठाकुर व ठाकुर नहीं जो दिया हुआ वचन तोड़ दे। आ रहा हूं।
कहां विक्रम ठाकुर और कहां जे, लगता ही नहीं कि सगे हैं दोनों। ठाकुर मालक जरूर उनको किसी शहरी मेले में से उठाकर लाएंगे। लाए होंगे।